बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे रोंडेक्स सिरप के बारे में, ठीक है, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट, तो वीडियो में डिटेल आपको बता दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोंडेक्स सिरप के बारे में। ये सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है खांसी की सूरत में, ठीक है। अगर आपको खांसी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशक खांसी हो, बलगमी खांसी हो, कोई भी खांसी हो तो आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों को रात को मसला आता है, रात को खांसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सांस का मसला आता है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब भी अपने मेडिसिन लेनी है तो एक बार इसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करनी है, जब एक्सपायर होगी तो आपको नुकसान दे सकती है। और जो भी मेडिसिन आपने लेनी होती है गूगल से या इंटरनेट से सर्च करके ना लिया करें, या हमें हमारा सिर्फ मसला होता है, अभी हमने आपको वीडियो में डिटेल बनाती होती है, ठीक है। तो जब भी आपने मेडिसिन लेनी है डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक लेनी है, ठीक है, उससे आपका ही फ़ायदा होता है और हमारा ही फ़ायदा होता है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इतला करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।